Hi guys, I'm Shashank Jain. Welcome back to my channel Vodofa. जैसा कि आपने पहले देखा होगा, मैंने एक एपिसोड बनाया था Ask Anything with Shashank, और उस एपिसोड में हमें बहुत सारा प्यार मिला। हमें उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट भेजे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जो मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने में, आपको आंसर करने में, और आप लोग वो देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो और अपने घर में इम्प्लीमेंट करते हो, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। तो आपके लिए मैं एक और एपिसोड लेके आया हूँ आस्क एनीथिंग विद शशांक का, जिसके अंदर मैं दोबारा से वो चार क्वेश्चन पूछूंगा और वो चार क्वेश्चन के बारे में हम आंसर करेंगे। तो आज हमारी वॉइस होगी प्रतीक्षा एंड शी विल बी आस्किंग मी ऑल दोस क्वेश्चंस। व्हाट कैन शूट अप माय इंटीरियर कॉस्ट? ओके, सो गाइस, इंटीरियर की कॉस्ट ना बहुत सारे रीजंस की वजह से शूट अप करती है, और इसका सबसे पहला रीजन जो आपको समझना होगा वो होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर क्लियर ना हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरे घर में होना क्या क्या है पहले दिन, तो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंटीरियर की कॉस्ट बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा तो था कि मैं अपने घर में ना थोड़ा सा डिमोलिशन करा लूंगा और अपना कमरे को थोड़ा बड़ा कर लूंगा, पर जब काम शुरू हुआ तो आपको लगा नहीं यार, मैं कमरे की जगह ना बाथरूम को भी बड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, अब बाथरूम तो टूट गया, अरे बाबा शार्प रहेगी, इसको भी कुछ कर लेता हूँ। तो जब आप अपनी चीजों के स्कोप बढ़ाते चले जाते हो तो आपकी इंटीरियर की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है, पहला। उसके बाद एक रीजन होता है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको लकड़ी का काम कराना है तो क्या कारपेंटर से कराऊं या मैं एक ब्रांडेड कंपनी लूं जो मेरे को हेल्प करे। ऑब्वियसली अगर आप कारपेंटर से कराओगे, हो सकता है वो थोड़ा सस्ता पड़े, पर उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स भी है। एक तो वो फिनिशिंग नहीं देगा, वन। सेकेंड इज, उसको ये नहीं पता है कि आपको इन टोटैलिटी बिगर पिक्चर क्या चाहिए। तो जब आप किसी एक ब्रांडेड कंपनी या एक बड़े डिजाइनर के साथ काम करते हो तो वो आपको सारी चीजें डिफाइन करा देता है पहले ही दिन, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट डिफाइन हो जाती है, फिर वो कॉस्ट नहीं बढ़ती है। एक और रीजन है कॉस्ट बढ़ने का कि मार्केट में प्राइजेस ही बढ़ रहे हैं, और ये अक्सर होता है कि अभी जैसे हम कोविड के टाइम से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक महीना पहले एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कॉस्ट 200 रुपीज पर पीस है, और दो महीने बाद उसी एलिमेंट की कॉस्ट 250 रुपए हो गई, छह महीने बाद उसी एलिमेंट की कॉस्ट 325 रुपए हो गई। तो जब जब ये कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो आपकी इंटीरियर का काम करने की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। सेम होता है घर में भी। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लॉट पे काम करना था तो जो सरिया है, जो टीएमटी बार है, उसकी कॉस्ट 51 रुपीज थी फॉर एग्जाम्पल। करते करते दौरान 71 हो गई, उसके बाद 81 हो गई, उसके बाद 91 हो गई। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपके घर की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, पर ये रैंडमली उतना ज्यादा नहीं होता। इसके प्राइमरी रीजंस कॉस्ट बढ़ने के आपकी अन एफिशिएंट प्लानिंग ही होती है। अगर आपकी प्लानिंग ठीक है, अगर आपका बजट ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ठीक है, तो ये कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू डिफाइन द स्कोप ऑफ इंटीरियर डिजाइन इन होम? यस, सो गाइस, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है आपके घर को लेके। आप चाहे 2 BHK बना रहे हो, 3 BHK बना रहे हो, 4 BHK बना रहे हो, प्लॉट बना रहे हो, विला बना रहे हो, या कुछ भी चीज कर रहे हो, अगर आपको अपने घर की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना नहीं आता तो आप डेफिनेटली एक सूप में हो, आप डेफिनेटली एक गलत घर को ही बनाओगे, और एक डेफिनेटली आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्लाइंट जितनी आपकी है उतनी आपकी डिजाइनर की भी है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट्स, आपकी वो स्कोप को सही से डिफाइन कर पाए। क्योंकि आपको ये तो पता है मेरे को घर में बेड चाहिए, आपको ये तो पता है मेरे को मेरे घर में सोफा चाहिए, पर आपको ये नहीं पता क्या फॉल सीलिंग जरूरत होगी, क्या मेरे को बैक पैनलिंग की जरूरत है, क्या मेरे को किचन में कोई काम करने की जरूरत है, क्या मेरे को वार्डरोब में कोई एक्सेसरी डालूं। तो आपको वो सारे एलिमेंट्स नहीं पता तो डेफिनेटली आपको स्कोप भी नहीं पता, स्कोप नहीं पता तो रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक डिजाइनर प्ले करता है आपके साथ, या आपका जो भी मेंटोर है, जो भी आपके आपके घर को बनाने में मदद कर रहा है, वो प्ले करता है। तो मैं ये बोलूंगा, जब आप अपने डिजाइनर के साथ बैठो तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को उससे पूछो, उसको बोलो मैं और अपने घर में क्या कर सकता हूँ, मैं और अपने घर में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मेरा बजट ये है, मैं इसमें और क्या क्या चीजें करा सकता हूँ। सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम लोगों के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के सिर्फ रिक्वायरमेंट को ही डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीजें बात की है। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा, अगर बिल्डिंग की नींव कमजोर है तो बिल्डिंग तो ऊपर खराब बनेगी ही बनेगी। और मेरा एक पेट डायलॉग है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी मेहनत बिल्डिंग को बनाने में लगती है उससे ज्यादा मेहनत बिल्डिंग को प्लान करने में लगती है। जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसको खोदते हैं,
पहले कॉलम नीचे डालते हैं, पहले उसकी फुटिंग बनाते हैं, उसी तरीके से एक घर के इंटीरियर को जब आप प्लान करें तो सारा दिमाग, सारा चीजें प्लानिंग में लगती हैं, बाद में बाकी चीजें एग्जीक्यूशन में लगती हैं। तो इसलिए बोलूंगा कि अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है, आपकी रिक्वायरमेंट पर कंट्रोल स्ट्रांग है, आपका स्कोप कंट्रोल स्ट्रांग है, तो आपका घर हमेशा अच्छा बनेगा, तरीके से बनेगा और बजट के अंदर बनेगा। एक 3BHK अपार्टमेंट बनाने में कितने पैसे लगते हैं? जब पैसे की बात आती है ना तो दिल में कुछ तो हो जाता है ना। तो जब भी हम इंटीरियर की कॉस्ट की बात करते हैं ना, हम हमेशा कहेंगे होते हैं बस कॉस्ट की बात मत करो, बाकी सारी बातें करो, पर करनी तो पड़ेगी ना। तो एक 3BHK कॉस्ट अगर अपार्टमेंट की आप बात करो तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अगर आप दिल्ली में हो तो कॉस्ट अलग होगी, मुंबई में हो तो कॉस्ट अलग होगी, चेन्नई में हो तो कॉस्ट अलग होगी। अभी मैं दिल्ली NCR की बात कर लेता हूँ और उसकी कॉस्ट बताता हूँ। तो जनरली 3BHK अपार्टमेंट की डिजाइन एंड बिल्ड करने की कॉस्ट 6-7-8 लाख रुपए से शुरू हो जाती है एंड गोज अप टू 20-25-30-35-40 or 45 lakh rupees। देयर इज नो लिमिट। मैं अक्सर बोलता हूँ एक घर को 5 लाख में बनाया जा सकता है और एक घर को 50 लाख भी कम, तो वो तो कोई कॉस्ट का डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि आप कितना भी पैसा घर में डाल सकते हो। ये शादी और घर एक कुएं के समान है, तो कितना भी पैसा डालो और हमेशा ही कम बिकेगा। मैं एक टिपिकली अगर मैं बात करूँ 3BHK की, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल का कुछ काम कराना है, POP का कुछ काम कराना है, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब, सोफा, बेड्स और कुछ कुछ ऐसे काम कराने हैं, और मे बी कुछ वॉलपेपर, कुछ डेकोर, थोड़ा बहुत अच्छा कर्टेंस, काइंड ऑफ एक फील डालना है, तो आपको टिपिकली 10 से 15 लाख रुपए के बीच में अपने बजट को रखना चाहिए, जिसमें इन टोटैलिटी अप्लायंसेस को आप छोड़ के सारे काम करा सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइन कंपनी और अ ब्रांड? तो गाइस यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट इज अ लोकल कारपेंटर और अ फ्रीलांस डिजाइनर और अ डिजाइन स्टूडियो, एक छोटा सा, और अ कंपनी और अ ब्रांड। तो अब इन चार लोगों के बीच में क्या डिफरेंस और क्या डिफरेंस हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिफरेंस बन जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक छोटे से कमरे की है और आप एक कमरे को डिजाइन कराना चाहते हैं, तो मे बी आप एक डिजाइनर, एक फ्रीलांस डिजाइनर से भी करा सकते हैं। Whereas, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरे घर को डिजाइन करने की है और उसके अंदर काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है आपको एक कंपनी या एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर स्टूडियो के साथ काम करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है। इसका आंसर कोई ऐसा नहीं है कि एक लाइन में मैं दे सकता हूँ। ऑब्वियसली आप एज अ कस्टमर, आपका घर का स्कोप और आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर अगर एक मोटा मोटी और एक सरसरी तौर पर बात करें तो दोनों में डिफरेंस बना लेते। एक फ्रीलांस डिजाइनर एक सिंगल पर्सन है, तो ये एक वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, जो डिजाइन भी करता है, आपके थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स को सुपरवाइज भी करता है और आपकी साइट पे विजिट भी करता है अगर वो करता है या करती है। तो ये इंटीरियर डिजाइनर है। एक कंपनी और अ ब्रांड इज अ मिक्स ऑफ पीपल, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर साइट सुपरविजन के अलग लोग हैं, साइट मटेरियल को प्रिक्योर करने के लिए अलग लोग हैं, डिजाइन करने के लिए अलग लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों का मिक्स है। जनरली अ कंपनी और अ ब्रांड हैज लॉट ऑफ पीपल, मतलब मेरे ख्याल से एक छोटी से छोटी कंपनी और ब्रांड के पास भी 10 से 12 लोग तो होते ही हैं, जो कि अलग अलग रोल को प्ले करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि कोई डिजाइनर छुट्टी पे चला जाए, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आए, तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप होता ही है। तो आप फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्पोरेट कल्चर में हो, अगर आप काम करा रहे हो, तो मान लो आपका डिजाइनर 15 दिन की छुट्टी पे चला गया तो क्या होगा, या उसने वो कंपनी ही छोड़ दी तो क्या होगा, या मान लो उस बीमार हो गया तो क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चलते होंगे जब आप अपने डिजाइनर को या अपनी कंपनी को चूज करते हैं। तो अगर आप एक ब्रांड के साथ काम करते हैं, जैसा कि हमारा एक ब्रांड है, गुरु का एक ब्रांड है, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांड बहुत अच्छा है तो ही काम कराओ, स्टूडियो खराब है तो उससे काम मत कराओ। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ब्रांड एक प्रोसेस और एक स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, वो आपके मुताबिक बहुत सारी चीजों को नहीं करेगा, मे बी, या कर भी सकता है। कस्टमाइजेशन डिपेंड करती है कि वो कितना करता है। हम सारा कुछ कस्टमाइज करते हैं, वेयर एज देयर आर वेरियस ब्रांड, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूलर सेटअप में ही चलती है। मेरे जनरली एक फ्रीलांस डिजाइनर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो चीज़ों को मॉडिफाई करने की और चेंज करने की, नए मटेरियल को यूज करने की या नए मटेरियल को एक्सपेरिमेंट करने की। जनरली वो ब्रांड थोड़ा कॉशियसली काम करता है और न
नए मटेरियल्स को लेने से पहले चार बार ही सोचता है, क्योंकि उसके साथ अपनी एक प्रॉब्लम्स और एक लाइफ टाइम गारंटीज वारंटीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। देन स्टूडियो या फिर एक फ्रीलांस डिज़ाइनर की मे बी डिज़ाइन की कॉस्ट थोड़ी कम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा डिज़ाइनर है। फिर इस ब्रांड के साथ आपको ये फैक्टर मिलेगा, वो उसकी कॉस्ट एक सेट कॉस्ट है जो कि 3 BHK के लिए सेट है, 2 BHK के लिए सेट है और 4 BHK के लिए सेट है, तो आपको एक कॉमनैलिटी ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो ये एक फायदा है एक ब्रांड के साथ जाने के लिए। तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को चूज इन कर सकते हो वाइल चूजिंग डिजाइनर और अ ब्रांड। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो मेरे को हमेशा लगता है कि एज अ ब्रांड या एज अ कॉर्पोरेट या एज अ कंपनी के साथ काम करना हमेशा बेटर है, बिकॉज वो लोग भागते नहीं है, वो लोग आपका काम छोड़ते नहीं है और जनरली कोई ना कोई बैकअप के लिए होता ही है आपके काम को संभालने के लिए। ओके, थैंक यू। तो साइनिंग इट ऑफ गाइस, आई होप आपको मेरे चारों सवाल और जवाब अच्छे लगे हों। तो ये अगर अच्छे लगे हैं तो आप जरूर बताएं अपना सवाल इस कमेंट बॉक्स में और हमें भेजें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को जरूर लें और उसका आंसर जरूर करें।